हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो होगी एक स्पेशल कंटेंट पे होगी, एक लैपटॉप पे होगी जिसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और उसका मैं रिव्यू दूंगा आप सब लोगों को। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि पिछली वीडियो में आप सबने मुझे प्यार तो बहुत दिया लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्यों क्यों छोड़ते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इंट्रो एंजॉय करिए, अगर इंट्रो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो, देख लिया इंट्रो कैसा लगा। अगर इंट्रो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो इंट्रो मैंने कैसे बनाया है, और उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अब कोशिश करूंगा कि हर वीक दो वीडियो कम से कम मैं डाल दूं, और शायद ज़्यादा भी डाल दूं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, एक टॉपिक ही कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि एक रिव्यू है, जो लैपटॉप को मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। वो लैपटॉप है लेनोवो S145 आइडिया पैड। तो ये लैपटॉप मेरा पर्सनल लैपटॉप है और इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने जब बाय किया था तो मैंने इसकी वीडियोस भी बनाई थी और इस पे गेमिंग टेस्ट भी करा था। ठीक है, तो अब चलते हैं और देखते हैं कि ये लैपटॉप अब कैसा वर्क कर रहा है। 2024 में ये लैपटॉप लेने के लिए ठीक है या नहीं है। सो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और छोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा, और हाँ, एक सरप्राइज़ है या फिर आप कह सकते हैं एक अपग्रेडेशन है। ठीक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा और आप बताना कि वो कैसा लगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं लैपटॉप को। तो देखो जी, ये मेरा लैपटॉप है जिसके ऊपर मैंने एक स्किन चढ़ाई हुई है, और यहाँ बहुत प्यारा सा लिखा है लेनोवो। ठीक है, सो ये मैंने स्किन चढ़ाई हुई है इसके ऊपर। ठीक है, तो ताकि इस पर स्क्रैचेस ना आ जाएं या फिर इस पर कुछ क्रैक ना हो जाए। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसको, ये कैसा लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया। अभी आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा मैं साथ साथ, और बताऊंगा 2024 में ये लैपटॉप लेने लायक है या नहीं है। सो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया। अब इसका बूट टाइम देखते हैं, क्यों, क्योंकि जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रहा था वो सरप्राइज़ है एक SSD जो मैंने इसमें डलवा दी है, जो कि है NVMe 2.0। ठीक है, तो वो वाली SSD मैंने इसमें डलवाई है। सो बजरंग वाली आ गया, और टाइम देख रहे हो आप, टाइम देखो आप, क्या टाइम पे मैंने वीडियो बनाना शुरू करा है, रात के 12 बजे हैं। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ से। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और मेरा लैपटॉप अब ओपन हो जाएगा। तो देखिए, बूट टाइम इसका ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लैपटॉप बंद था, और SSD डलवाने के बाद यही चीज़ जो है इम्प्रूव होती है। और सबसे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, SSD डलवाने में आपको क्या करना है। तो दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन पे वापस आ चुके हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने बाहर से इसको एक लैमिनेशन में रैप कर रखा है, और ये रैप करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके जो आउटर सरफेस है उस पर आप डेंट भी पड़ सकते हैं। सो मैंने इसके ऊपर रैप कर दिया था। अब मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट्स में जाते हैं, स्टार्ट मेन्यू में, और यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में हम जाएंगे, तो सेटिंग में जाने के बाद अब देखते हैं हम लास्ट में हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा इसमें आपको क्या क्या अभी रनिंग में है। जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ दिख रहा होगा कि एक मैं OBS से स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ Wondershare फिल्मोरा भी यहाँ पे चल रहा है जिससे मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करूंगा। सो इस वजह से स्लो है थोड़ा सा। सो हम क्या करते हैं, अभी ये Wondershare फिल्मोरा को मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, यानी कि कट कर देता हूँ। और साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि ये Wondershare चलने के बाद तो थोड़ा सा सिस्टम जो है मेरा स्लो हो गया है, तो मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। इसका रीज़न है कि 4GB रैम, ठीक है, इसका रीज़न 4GB रैम है, इस वजह से ये जो है मेरा अभी चल नहीं रहा है। तो मैं ये जो इसकी वीडियो है इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ सेव कर दिया है, और ये मेरा प्रोजेक्ट जो है सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको दोबारा एडिट कर सकता हूँ। इसी वजह से जो वीडियो है वो अच्छे से रेंडर नहीं हो पाती, क्योंकि रैम जो है इसकी कम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप अभी कोई भी लैपटॉप लेते हैं तो वो 4GB रैम वाला मत लीजिएगा। आप कोई भी लैपटॉप लेंगे तो वो लैपटॉप आपका एटलीस्ट 8GB रैम होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज अभी कर नहीं सकता क्योंकि प्रोजेक्ट सेव हो रहा है। सो मैं जल्दी कुछ और ओपन करता हूँ, सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे
सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाने के बाद यहाँ आप लास्ट में चले जाइए, यहाँ पे अबाउट होगा। तो अब अबाउट खोलेंगे तो इसमें हम आपको सारी स्पेसिफिकेशंस दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं कि 4GB रैम है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए 4GB रैम है जिसमें से कि 3.38GB यूजेबल है, ठीक है। तो इसका फर्क ये पड़ता है कि हमारे जो सिस्टम की प्रोसेसिंग है वो स्लो होती है, बट उसके लिए भी मैंने एक काम किया है जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था, वो है कि मैंने इसमें SSD डलवाई हुई है। SSD मैंने जो इसमें डलवाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया बाहर यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपने ओपन कर लेता हूँ फाइल मैनेजर को। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे दिस पीसी में जाके, दिस पीसी में जाएंगे तो ये देख सकते हैं लोकल डिस्क सी, इसके अंदर ये मेरी SSD है 125GB की। तो इसके अंदर जो मेरी विंडो है वो प्रोसेस हुई है, विंडो मैंने इसमें डलवाई है जो कि मेरी पहले हार्ड डिस्क में थी, वो मैंने अब SSD में डलवाई है। उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने देखा बूट टाइम कितना फास्ट हो जाता है। तो अगर आप कभी भी, ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कभी भी एक SSD में अपग्रेड करा रहे हैं अपने लैपटॉप को, तो आप जो अपनी विंडो है, एक ओरिजिनल विंडो है, तो या फिर अगर आप कॉपी, जो भी विंडो आप यूज कर रहे हैं, कर कॉपीराइट विंडो भी होती हैं बहुत सारी, और बहुत सारी विंडोज होती हैं, तो उसको आप जो है SSD में ही डलवाएं। अगर आप उसे SSD में नहीं डलवाएंगे तो आपका SSD लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। सो सबसे बड़ी चीज तो ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इसमें यूज हो रही है विंडो, और बाकी इसमें मैं कुछ ऐसी चीज नहीं डालता जो कि हमें डेली में यूज होनी है, वो आप SSD में ही डालिए, उसे सॉरी हार्ड डिस्क में ही डालिए, वो उसमें यूज होगी। ये विंडोज मेरी इसमें डली हुई है, ये देख सकते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर से अपडेट करा रहे हैं तो आप उनको स्पेशली ये बात बता दीजिए कि मेरी को जो विंडो है वो SSD में ही डलवानी है, तभी आपकी जो आपका सिस्टम है वो अच्छे से प्रोसेस होगा या फिर विंडो अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है। तो आपने बंडल शेयर फिल्मोरा देख लिया, अब मैं आपको एक OBS ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये OBS चल रहा है जो कि बहुत परफेक्टली चल रहा है। यहाँ पे मैंने इसमें विजुअल स्टूडियो कोड भी डाला हुआ है, साथ ही साथ इसमें टाइपिंग मास्टर भी है और कैमो स्टूडियो भी है। कैमो स्टूडियो का क्या काम होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट टू में भी नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक लैपटॉप रखा है जिसका रिव्यू मैंने पहले दिया था। हाँ, यही वाला Acer Aspire Lite, तो इसका रिव्यू मैंने आपको पहले दिया था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कल गेमिंग टेस्ट करेंगे, जी GTA 5 का टेस्ट करेंगे कि कितनी FPS स्पीड आ रही है और ये वर्क कैसे कर रहा है, तो हम ये करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिप ग्रैब है, क्लिप ग्रैब क्या होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ओवरऑल सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकी डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊंगा। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक ये है कि ये जो लेनोवो S145 आइडिया पैड है ये आपके लिए कैसा रहेगा, इफ अगर आप डेली यूजर हो तो, ठीक है। तो मैं तो सबसे पहले मैंने आपको सजेस्ट करा पॉइंट नंबर 1 कि आप अगर लेते हैं तो एटलीस्ट 8GB रैम लीजिए, ठीक है। प्रोसेसर आप कोई भी ले सकते हैं, AMD ले सकते हैं या इंटेल ले सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, AMD प्रोसेसर है, AMD Ryzen 3 है इसमें, और इसमें भी बहुत अच्छे से ये वर्क करता है मेरा प्रोसेसर, इसमें कोई भी मेरे को इशू नहीं है, ये देख सकते हैं आप। बाकी AMD का काम तो गेमिंग के लिए होता है, लेकिन यहाँ स्पीड को थोड़ी अच्छी कर सकता है, परफॉर्मेंस भी है इसमें, और आप यहाँ गेम भी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन 77% है, और जो मेरा प्रोसेसर है उसका पूरा नाम है AMD Ryzen 3 3200U विद Radeon Vega मोबाइल GFX, ठीक है। तो ये इतना अच्छा नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे, बट हाँ ये आपकी डेली यूजेज के लिए बहुत ज्यादा बेटर है, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग के लिए ये नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे मैं आपको इसमें और क्या दिखाऊं। चलो इसमें मैं आपको सबसे पहली मेन प्रॉब्लम बताता हूँ इसके कीबोर्ड की। अगर आप डेली यूजर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि लैपटॉप में जो कीबोर्ड है ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मैंने इसे एक बार चेंज कराया हुआ है और यही लैपटॉप जो मेरा था, जो कीबोर्ड था इसका, वो मुझे 600-700 अराउंड पड़ा था मैंने जब चेंज कराया था। अभी का प्राइस मुझे नहीं पता, इफ अगर आप बाहर जाएंगे लोकल मार्केट में तो वहां पे आप पता कर सकते हैं, अंडर 1000 ये हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कीबोर्ड पे ज्यादा वर्क नहीं कर सकते इस पे। और बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो बैटरी बैकअप अभी देख सकते हैं चार्ज हो रहा है, तो ये पूरा चार्ज होने पे आपको एटलीस्ट ये ज्यादा से ज्यादा आपको देगा 1 आवर का बैटरी बैकअप। क्यों, क्योंकि ये पूरा
पुराना हो गया है, और इफ अगर आप न्यू भी लेते हैं तो वो 1.5 आर से या फिर 2 आर के बिटवीन में ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, इसका बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं है। वो भी मैं जब बता रहा हूँ जब आप गेमिंग नहीं करेंगे या कोई आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे। बाकी इसमें मैं विजुअल स्टूडियो कोड आपको खोल ओपन करके दिखाता हूँ, तो देखते हैं वो कितनी देर में खुलता है, कैसा इसका रिस्पॉन्स है। तो देख सकते हैं SSD अपग्रेड कराने के बाद ये विद इन 5 सेकेंड ओपन हो गया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से बंद भी कर देता हूँ। बस इसका मैं एक रिव्यू देना चाहता था आपको कि ये 2024 में बेस्ट है या नहीं। तो मेरे हिसाब से ये 2024 में बेस्ट नहीं है, इसी रेंज में आपको बहुत सारे लैपटॉप मिल जाएंगे और अपग्रेडेशन भी बहुत सारी मिल जाएगी, तो आप उस पर जाइए। और वाईफाई इसमें परफेक्ट वर्क करता है, और सबसे बड़ी बात इनके स्पीकर, इसका स्पीकर बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार स्पीकर है। अगर मैं इसकी आवाज़ अगर आपको सुना सकता हूँ तो आप देखिए, मैं इसकी आवाज़ सुना के दिखाता हूँ। इस पर मैं YouTube पे कोई भी वीडियो एक छोटी सी या फिर मैं काम करता हूँ कोई भी, मैंने डाउनलोडिंग में अगर सॉन्ग होगा तो मैं वो सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। मे भी मेरे पास एक सॉन्ग है, सॉन्ग ये रहा, देख सकते हैं हम भोले बाबा का सॉन्ग सुन लेते हैं। तो देखिए अब मैंने ओपन किया तो इसकी साउंड आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जानता हूँ बेकार है। आप देखिए, देख सकते हैं, अगर आप बहुत लिटिल लिटिल आवाज़ आएगी तो ये उसी की है, क्योंकि ये बहुत बेकार है। ठीक है, इसके स्पीकर पे आप बिलीव नहीं कर सकते। अगर आप हाँ डेली यूज़र हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो नहीं, ये लैपटॉप बिल्कुल बेस्ट नहीं है। ये लैपटॉप धीरे धीरे आके और इसकी हालत जो है बहुत बुरी होती जा रही है। अभी मेरे को इसमें रैम अपग्रेड करानी है जब भी मैं इस पर वर्क कर पाऊँगा, क्योंकि जो मैं यूज़ करता हूँ वो एक लैपटॉप और उसको एक विंडो से अटैच मैंने किया हुआ है, एक जो आपका LCD होता है मैंने उससे अटैच किया हुआ है, तो मैं उसमें यूज़ करता हूँ और साथ ही साथ मैं हेडफोन लगाता हूँ इस वजह से। ठीक है, सो 2024 में ये लैपटॉप बिल्कुल बेस्ट नहीं है, तो आप इसको ना ही बाय करें तो बढ़िया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अगली वीडियो और भी बढ़िया होने वाली है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।